चलिए रुक, एक और बड़ी खबर का मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर, मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। एमपीपीएससी कार्यालय का घेराव किया, 2019 के परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट जारी नहीं होने से भर्ती अटकी है। करीब 1900 अभ्यर्थी इंटरव्यूज दे चुके हैं, लेकिन साल 2008 के बाद से कोई नियुक्तियां ही नहीं हुई है और इस वजह से स्टूडेंट्स परेशान है और हल्ला बोल भी कर रहे हैं। तो एक खबरें सामने आई, ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हाथों में बैनर पोस्टर लिए मानसिक प्रताड़ना की हद, रिजल्ट अब तक नहीं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज टेट पर आप देख रहे हैं। देखिए, घेराव यहां पर किया गया है और 2019 के परिणाम घोषित हो गए, लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं हुई है। प्री हो जाता है लेकिन मेन्स नहीं होता, प्री की डेट आ जाती है, फिर प्री एग्जाम हो जाता है, फिर मेन्स की डेट आ जाती है, मेन्स भी हो जाता है लेकिन रिजल्ट ही घोषित नहीं हो रहा। अब रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है तो नियुक्तियां भी नहीं हो रही है और इसलिए परेशान है सभी स्टूडेंट्स। 2019 भर्ती परीक्षा 4 साल से अधिक समय हो गया है और ये विद्यार्थी निरंतर कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं, आयोग के पास आते हैं हर 2-4 महीने में अपनी बात रखने के लिए, लेकिन बस संवैधानिक निकायों में इनको घुमा दिया जा रहा है। और कोई भी, अब देखिए, 2018 से नियुक्ति नहीं दी आयोग ने, तो हमारी ये मांग है कि आप जल्द से जल्द नियुक्ति दें। 2023 खत्म होने की ओर है, 24 में हम प्रवेश कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि इतने सारे एस्पिरेंट अभी भी अपनी मांगों को लेकर बार बार आ रहे हैं, कोई भी इनकी मांग नहीं उठाता और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें, इसी मांग हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। सचिन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ही जानकारी ले लेते हैं। सचिन, दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हल्ला बोल यहां पर किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे प्रमुख तौर पर उठाई जा रही है और इस पर क्या कुछ अभी फिलहाल बयान या प्रतिक्रिया प्रशासन की तरफ से सामने आ रही है? जी, की तरफ से कुछ भी बयान, छात्र जो हैं हर 2 से 3 महीने के बाद यहाँ पे एमपीपीएससी कार्यालय पे आके प्रदर्शन करते हैं और इनकी एक ही मांग रहती है कि 2019 से जो हमारा जो रिजल्ट रुका हुआ है उसको जारी किया जाए। छात्रों का ये कहना है कि 2018 में भर्ती हुई थी, उसके बाद से लेके 2023 खत्म होने वाला है, दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई नियुक्तियां नहीं की गई है। इसके साथ ही किसी प्रकार का मतलब कुछ भी, जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है। इन्हीं सब बातों को लेके नाराज छात्रों ने आज एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रशासन के खिलाफ, दमकर नारेबाजी की सरकार के खिलाफ, और उनका ये भी आरोप था कि हर 3-4 महीने में हम यहाँ पे आते हैं और हमेशा यहाँ पे धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर सवाल कई खड़े होते हैं। 5 साल बहुत होते हैं, 5 साल तक जब रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है इसका मतलब वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका भविष्य आगे क्या होने वाला है अंधेरे में है, और ऐसे में तैयारी पर तैयारी करते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, कई मामले भी सामने आते हैं। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो। फिलहाल शासन प्रशासन का क्या कहना है ये भी जरा बताइएगा। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया गया है। हर बार की तरह अंदर से अधिकारी आते हैं और इनका ज्ञापन लेके चले जाते हैं। छात्र हर बार सिर्फ यही मांग करते हैं कि रिजल्ट घोषित किया जाए जिससे हम आगे हमारा भविष्य तय कर सकें, क्योंकि 2018 के बाद से अभी तक किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं हुई है एमपीपीएससी में। 2019 अक्टूबर में सिर्फ परीक्षाएं हुई थी, उसके बाद से उसका भी रिजल्ट रुका हुआ है। जब हमने छात्राओं से बात की तो छात्राओं का यही कहना था कि हम हमारा भविष्य क्या तय करें, क्योंकि हमारी गृहस्थी भी रहेगी, हमारा घर भी है, हम कितना भरोसे में रहें, हमारी उम्र निकलती जा रही है। कई हमारे साथ छात्र ऐसे भी हैं कि जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है लेकिन अभी तक पिछले 5 सालों से। चलिए ठीक है सचिन, बिल्कुल 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 ठीक है, आपने बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।